डेली। नाम मेरा आशा है। आशा जी, क्या दिक्कत हो रही है ये बताएं। दिक्कत सर, जब से मोदी ने ऐसा किया है सारा तो पैसे बैंक में डलवा लिया, अब पैसे मिल नहीं रहे हैं। बहू को ऑपरेशन करवाना, कैसे करवाऊँ मैं, बहुत परेशान हूँ मैं। दवा दारू के पैसे कुछ भी नहीं है सर, बच्चे बीमार हैं घर में। लेकिन मोदी जी ने तो कहा है कि अस्पतालों में दवाइयाँ ले सकते हैं हजार। दवाइयाँ एक बात बताओ सर, आप हम मोदी जी क्या रहे, दवाइयाँ मिल रही है, कोई दवाइयाँ नहीं मिल रही सर। तो लाइन में जाके लगे रहो, घर ले आ जाओ वापस। क्या मोदी कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे मोदी जी ने कहा है कि अच्छे दिन आएंगे। नहीं, इससे भी बदतर दिन आएंगे लग रहा है सर, क्योंकि इससे भी बदतर दिन आएंगे लग रहा है सर, क्योंकि इससे भी बदतर दिन आएंगे लग रहा है सर, क्योंकि इससे भी बुरे दिन आएंगे। हमें लग रहा है लाइन में लगे ऐसे लगे रहेंगे। एक्चुअली सुबह 1 बजे से मेरी मम्मी खड़ी है लाइन में, बट ये लोग आप कह रहे हैं कैश नहीं मिल रहा, और कम होने की वजह से यहाँ खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। और कैश नहीं मिलना, आम पब्लिक क्या करेंगे ये बताइए। और मेरा तो पूरा टाइम चल रहा है, मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1500 के जब से बंद हुए, दिक्कत क्या हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है सर, कहीं भी वो नोट चलने को राजी नहीं। आम पब्लिक कहाँ से लाए कैश? मतलब कथनी और करनी में बहुत फर्क, बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। मोदी जी के इस फैसले से जो आम जनता परेशान हो रही है, क्या? देखिए, जल्दबाजी में लिया गया ये फैसला देश की जनता के लिए एक बहुत बड़ा दुखदायी कारण बन चुका है। आज देखिए, गली गली के लोग, कोई रईस आदमी आज लाइन में नहीं लगा हुआ, सब गरीब आदमी खाली पेट रात भर, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे से आ जाते हैं, अगले दिन शाम को 4 बजे तक इनको पैसा नहीं मिलता। बैंक वाले शटर बंद करके बोलते हैं कि अकाउंट में पैसा नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है, और अंदर से दूसरे रास्ते से अपनी जान पहचान के लोगों को अंदर घुसेड़ रहे हैं। गरीब आदमी आज लाइन में खड़ा हुआ है, मोदी जी ने देश कतार में खड़ा है, और मोदी जी कह रहे हैं कि आज देश में बदलाव की स्थिति है, ऐसा बदलाव चाहते हैं देश के लोग। तो गरीब स्थिति में आज गरीब आदमी आज सड़कों पर खड़ा हुआ है, परेशान है, अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर आज सड़कों पर खड़ा हुआ है। आज व्यापार भी चौपट है, सब चीज चौपट है, दुकान। आज मोदी जी ने बोला कि अस्पतालों में नए पुराने नोट चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं पुराने नोट? पूछिए, गरीब आदमी से खड़ा हुआ है, हॉस्पिटल की लाइन में लग रहा है, ऑपरेशन की डेट है, नेट कोई भी नहीं ले रहे सर, नहीं ले रहे कोई भी नहीं, ना अस्पतालों में, ना सब्जी फल, कोई भी नहीं। बोलता क्या, इसे उठा कर फेंक दो, बताइए इसको फेंक देंगे। हमने बोला भाई, चलते हैं, मैं अभी बोलता नहीं, इसे फेंक दो, कौन खाएगा? दिक्कत है, 3 बजे बैंक बंद कर देते हैं, यहाँ पर लोग बहुत कमाल के भगा देते हैं, और बैंक के अंदर कैश भी नहीं है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं बहुत पैसा है, नई करंसी है, बैंक के अंदर पैसा ही नहीं है, हमारे ये देखो चेक लोग खड़े हैं, पैसे नहीं, कैश नहीं अंदर, बैंक के अंदर 3 दिन हो गए। अगर हम मजदूरी करेंगे या बैंक में चक्कर काटेंगे हम यहाँ जी। मोदी जी कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे। अरे अच्छे दिन तो आएंगे, कब आएंगे, बुरे दिन आएंगे। रात को लेडीज यहाँ 12 बजे सो रही है, कोई घटना घट जाएगी कौन जिम्मेदार होगा उसका, ये बताइए मेरे को। औरतों का लाइन अलग लग रही, रात को 12 बजे आती है, उन बेचारे कोई घटना घट जाए कौन जिम्मेदार होगा उसका, या मोदी जी होंगे या कुछ होगा। मोदी सरकार कांग्रेस में ये फर्क है, वो सहयोग कर रही है, और बीजेपी कोई सहयोग नहीं कर रही है। चाय पानी पिला रही है, चाय पानी डेली नाश्ता मिल रहा है यहाँ पे। कौन दे रहा है, मोदी सरकार या कांग्रेस? कांग्रेस, कांग्रेस वाले डेली डेली। अम्मा, कैसा लग रहा है लाइन में लग के? हमें तो भैया परेशान हो रहे हैं हम। क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत क्यों ना आ रही, हमारे तो पहले उसको सब्जी को पैसा भी ना, राशन भी ना आया जी। और बिल उसमें बिल रुका पड़ा हमारा। मोदी जी ने 1500 बंद करके सही करा, गलत करा? देखो जी, हम तो हाथ पे दे रहे हैं, रात पे देंगे अब भी, चाहे हमारे से कहीं भी धर्म उठवा लो। कब से लगे हुए? रात को 2:30 बजे से। 2:30 बजे से 12 बच्चों के नंबर लाइन में लग के कैसा आनंद आ रहा है? अरे बहुत बेकार लग रहा है, है? बहुत बेकार लग रहा है। मोदी जी ने भी अच्छे दिन आएंगे, लगता है अब तो बुरे दिन आ रहे हैं, लगता है अब तो बुरे दिन आ रहे हैं, लगता है अब तो बुरे दिन आ रहे हैं। 12 बजे नंबर नहीं आया, 11 बजे 12 बजे 16 घंटे हो गए मैं बैठे बैठे, ना कुछ खाया ना कुछ किया है। कब से लाइन में लग रहे हो? सुबह 3 बजे से लगी हुई हूँ लाइन में, और पता नहीं है कि अंदर जाने का मौका मिलेगा भी या नहीं। ऐसा मौका कहाँ मिलता है लाइन में लगने का? जनता इस समय त्राईमाम त्राईमाम कर रही है। अभी हम अंदर गए, मैनेजर से बात हो रही थी, अब क्या बोलूं, उनको खुद ही नहीं पता पैसे कितने आएंगे। मैंने उनसे पूछा कि सरकार तो रोज कहती है टीवी पे कि पैसे की कमी नहीं है, वो कहते हमें नहीं पता होता पैसे कितने बजे आएंगे।
हमें ये भी नहीं पता आज आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो कितने पैसे आएंगे। मैंने कहा आप आरबीआई से क्यों नहीं पूछते, कहते उनको भी नहीं पता उनके पास कितने पैसे आएंगे, जितने दिन में उनके पास पैसे आते हैं वो डिफरेंट ब्रांचेज में बांट देती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार लोगों से झूठ बोल रही है, जो वो टीवी पर हमेशा कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है, पैसे की तो कमी है, पता नहीं क्या वो अपनी क्या चीज अपनी क्या कहते हैं उसको अपनी इनकॉम्पिटेंस छुपाना चाहते हैं, इसके ऊपर मुझे कोई बात नहीं नजर आ रही है, लोग परेशान हो गए। मेरे वार्ड में या हमारे यहाँ के बैंकों में नहीं, पूरे देश में यही हालात है, बहुत बुरे हालात है। आए दिन हम खबरें देख रहे हैं न्यूज में कि लोग लाइन में खड़े होकर बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, कई लोगों की मौतें हो चुकी है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे आसपास के ऐसे हालात हो, जो हमारे लोग हैं जिनके साथ हमारी पूरी सिंपैथी है हमारी, इसीलिए हम लोग यहाँ सुबह या चाय लस्सी पानी बिस्किट वगैरह लेके सब लोगों को बांटते हैं, ताकि कोई लाइन में खड़ा हुआ बेहोश ना हो जाए। लोग रात से खड़े हुए लाइन में, कोई 12 बजे से खड़ा है, कोई 3 बजे से खड़ा है, और ये हालात एक दिन के नहीं है, क्योंकि हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। जिस दिन से ये घोषणा हुई है 8 नवंबर से, उसके बाद से लगातार यही हालात चले आ रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि कोई लोग यहाँ लाइन में खड़े होकर बेहोश हो जाए, कोई गिर जाए, कोई बीमार हो, तो इस तरह के हालात यहाँ ना पैदा हो। इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आह्वान किया गया है कि सभी कार्यकर्ता, सभी कांग्रेसी जितने लोग परेशान हैं, उनकी किसी भी तरीके से हम हेल्प कर सकें तो हम उनकी पूरी हेल्प करें। अपने वार्ड की जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे दुख के संकट के घड़ी में? दुख के संकट की घड़ी में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक हिटलर चाहिए, जो एक तानाशाही, जो एक दे दिया गया है ऐसा फैसला, जो मोदी जी की तरफ से सुनाया गया है, इसके हक में कुछ लोग कहते हैं जी अच्छा फैसला, लेकिन मैं पूछती हूँ क्या ये जो गरीब लोग यहाँ लगे हुए हैं, क्या इनके पास काला धन है? क्या काला धन इन लोगों के पास है जो अपने पैसे के लिए तरस रहे हैं? जिसके घर में कल शादी है बेटी की, वो अपना पैसा ना बैंक से निकाल पा रहे हैं, ना उनके पास जो कैश है उसको वो एक्सचेंज करवा पा रहे हैं। तो ऐसे हालात है, किसी का ऑपरेशन होना है, किसी के हॉस्पिटल में ज़रूरत है पैसों की, लोगों के घर में चाय पीने तक बच्चे भूखे मर रहे हैं, व्यापार कारोबार ठप है, और जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके साथ बहुत सारे गरीब लोग जुड़े हुए हैं, रिक्शे वाले हैं, जल्दी वाले हैं, आज बड़े बड़े सारे जो मार्केट है सन्नाटा छाया हुआ है। तो जो लोग वहाँ काम करने जाते हैं उनके घर में आज चाय पीने तक के लिए, बच्चों के खाने तक के लिए पैसे नहीं है। हालात इतने बुरे हैं।